Assalamu alaikum, my dear students. The topic that we have to write today in English is chapter number 10, and it's actually a poem, The Rainbow. So, The Rainbow is a short little poem and it's written by Christina Rossetti. So, this poem is The Rainbow, ye Christina Rossetti ne likhi hai, theek hai? She was a very famous poet and she belonged to Italy. And क्या है ना कि क्रिस्टिना रोसेटी जो है उसने बहुत सारी poems लिखी है. And the most famous poems of क्रिस्टिना रोसेटी include Goblin Market, Remember, and In the Bleak Midwinter. मतलब उसने बहुत सारी poems लिखी है. तो कुछ poems उसकी ऐसी है कि जो बहुत ही ज़्यादा famous हो गई. So here this poem The Rainbow is also written by क्रिस्टिना रोसेटी. तो क्या होता है इस पोइम में, दिस पोइम, इन दिस पोइम क्रिस्टिना रोसेटी कंपेयर्स दीज नेचुरल थिंग्स विद द मैन मेड थिंग्स. क्या होता है कि इस पोइम में वो मतलब जो नेचुरल थिंग्स है ना, फॉर एग्जांपल रेनबो है, क्लाउड्स है, उनका कंपैरिजन करती है वो मैन मेड थिंग्स के साथ, जैसे कि ब्रिज, बोट्स है ना, उनके साथ कंपैरिजन करती है. हियर इन दिस पोइम शी सेज दैट द नेचुरल थिंग्स लाइक रेनबो एंड क्लाउड्स आर मच मोर ब्यूटिफुल दैन द मैन मेड थिंग्स लाइक शिप्स एंड ब्रिजेस. तो मतलब यहाँ पे क्या कहती है वो, कि वो मतलब कंपैरिजन करती है नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स के दरमियान. बट क्या होता है कि वो क्या कहती है कि वो मतलब बोलती है कि जो मैन मेड थिंग्स है ना, दीज आर मच मोर सुपीरियर एंड ब्यूटीफुल दैन दीज मैन मेड थिंग्स. क्योंकि वो प्रेफरेंस जो है ना वो ज़्यादा किन को देती है, नेचुरल थिंग्स को, क्योंकि वो बोलती है कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन मेड थिंग्स. So let's read this poem and see what happens in the poem and what's included in this poem. In the first stanza, she says that boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier than these. So in the first half of the poem, in the first stanza of the poem, she compares boats and ships with the clouds. तो क्या होता है कि जो boats and ships होती है ना, जो ships होती है जो पानी में तैरती है, वो उनका comparison करती है किसके साथ, clouds के साथ. clouds भी हवा में तैर रहे होते हैं ना, मतलब चलते हैं clouds हवा में, तो boats ships वगैरह पानी में चलती है, ठीक है. तो यहाँ पे वो comparison करती है natural things का किन के साथ, man made things के साथ, मतलब boats का, boats और ships का comparison करती है वो क्लाउड्स के साथ, ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स, वो क्या बोलती है कि ऑल दीज थिंग्स सेल एंड आर ब्यूटिफुल. तो बट द क्लाउड्स जो है ना, शी सेज दैट क्लाउड्स आर मोर ब्यूटिफुल दैन द रेस्ट ऑफ द टू थिंग्स. तो मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो इस पोएम में प्रेफरेंस देती है ज़्यादा नेचुरल थिंग्स को. शी सेज दैट द नेचुरल थिंग्स आर मोर ब्यूटीफुल दैन द मैन मेड थिंग्स. तो यहाँ पे क्या बोलती है कि वो बोलती है कि क्लाउड्स भी सेल करते हैं स्काई में, या बोट्स वगैरह वो भी सेल करते हैं पानी में, बट वो बोलती है कि दोनों चीज़ें सेल करती है, बट जो क्लाउड्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है एज़ कम्पेयर टू द बोट्स एंड शिप्स, ठीक है. So ye have this the first stanza. Let's read the second stanza of this poem. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from sky to earth to sky is prettier far than these. तो क्या होता है कि इन द सेकेंड हाफ ऑफ द पोएम, जो सेकेंड स्टंजा है पोएम का, इन दिस स्टंजा शी कंपेयर्स अ ब्रिज टू अ रेनबो. तो जो दूसरा स्टंजा है, जो दूसरा मतलब पोर्शन है इस पोएम का, इसमें वो कंपैरिजन करती है रेनबो का ब्रिजेस के साथ. एज यू ऑल नो दैट द ब्रिज जो है ना वो कनेक्ट करता है दो चीज़ों को आपस में, ठीक है. मतलब एक जो ज़मीन का एक पैच होता है, वो ज़मीन के दूसरे पैच को कनेक्ट करता है, मतलब ब्रिज, ठीक है. मतलब दैट कनेक्ट्स टू थिंग्स, मतलब वो दो चीज़ों को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है. तो जो रेनबो है ना, जब हम रेनबो देखते हैं तो हमें क्या लगता है, जब हम रेनबो को देखते हैं हमें ये मतलब समझ आता है जब भी हम रेनबो को देखते हैं, कि वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द अर्थ, बट वो ख़त्म कहाँ पे होती है, स्काई पे. मतलब वो मतलब अर्थ को कनेक्ट करती है स्काई से. सो हियर इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड अ कंपैरिजन बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स. तो यहाँ पे वो क्या बोलती है कि he says that both appear in the same shape, मतलब दोनों चीज़ें जो है ना, मतलब रेनबो और ब्रिज, वो दोनों मतलब कनेक्ट करते हैं किसी चीज़ को आपस में, बट
The rainbow takes one from the earth to the sky rather than from one patch of earth to another. जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि मतलब ब्रिज जो है ना वो दो चीज़ों को आपस में जोड़ता है, मतलब वो ज़मीन के दो हिस्से होते हैं. जब भी हम देखते हैं कहीं पे ब्रिज होगा है ना या कहीं और ब्रिज होगा तो मतलब वो ज़मीन के मतलब एक पैच को दूसरे पैच से कनेक्ट करता है, ठीक है. बट रेनबो क्या करती है ना, रेनबो जो है दैट टेक्स वन फ्रॉम द अर्थ, मतलब वो हमें सीधे लगता है कि रेनबो अर्थ से स्टार्ट होके स्काई पे ख़त्म हो गई. सो हियर शी सेज दैट इट्स क्लियरली सुपीरियर, मतलब रेनबो जो है ना वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू द ब्रिजेस. सो हियर इन दिस पॉइंट यू नीड टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट दिस पोएम इन्वॉल्व्स अ कंपैरिजन बिटवीन मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स, एंड द नेचुरल थिंग्स आर गिवन मच मोर प्रेफरेंस, आर कंसिडर्ड मच मोर सुपीरियर दैन द मैन मेड थिंग्स, ठीक है. तो यहाँ पे प्रेफरेंस जो सुपीरियॉरिटी जो मिलती है वो नेचुरल थिंग्स लाइक क्लाउड्स और रेनबो को मिलती है एज़ कम्पेयर टू दिस मैन मेड थिंग्स लाइक शिप्स, बोट्स एंड ब्रिजेस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम. थैंक यू.